देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर दिया, गैस कर दिया मैंने बंद, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड हो गए रेडी ये बर्फी, कितनी अच्छी बन के ये देखो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड कैसे हो आप सब? तो आज फ्रेंड बहुत ठंड हो रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में आप लोग भी थोड़े एंजॉय कीजिए, चाय पकौड़े बस खाइए। क्या हो गया दिव्यांश? कुछ बोल रहा है, आज आपसे बात करेगा दिव्यांश। हाय कर, हेलो कर। आप जानते हो फ्रेंड इसको कौन है ये? आप जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? आप बात ही नहीं करता है, ये मिलता ही नहीं है लड़का। और मिलता है कौन? मिलता है अभी आपको दिखाते हैं। ये बैठे साहब जी, ये बैठे। तो फ्रेंड अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो आज भी हमें बनानी है तिल खोया और मखाने की बर्फी, तो अभी देखना बर्फी कैसे बनती है। और कौन बनवा रहा है? मैं तिल और खोए की है ना। अब मैं लड्डू भी बना सकती हूँ वैसे तो। नहीं है ना, बर्फी ही खानी है तेरे को है? क्यों, तिल तेरे को पसंद है? तो अब चल रहे हैं हम कहाँ पर? किचन, किचन में। तो चलिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय। हट। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ रसोई के अंदर, आप लोगों को दिख भी गया होगा मैं रसोई के अंदर खड़ी हूँ। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मैं इसको लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो उसने डॉक्टर क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मैं बच्चों के लिए मैंने पूछा था, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला इसको तिल और दूध की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, इसलिए माँ बाप को पता है दूध का ही बनता है, उससे रिलेटिव कोई भी चीज़ें हों तो इसलिए मैंने सोचा। मखाने भी बताया था, मखाने में बहुत प्रोटीन होता है और तिल बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। तो मैं इसलिए मैंने सोचा इसके कोई भी लड्डू या बर्फी बना दूंगी तो खुश होकर खा लेंगे और साथ में दूध भी, तो इसलिए मैंने इनके लिए बना रही हूँ स्पेशली बच्चों के लिए। इसलिए सानू आपसे कह रहा था कि मम्मी बना रही हैं, क्योंकि इसीलिए मेरे को दो दिन हो गए माँ वाला को टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा आज बना लेते तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। तो चलो बनाते फिर। फ्रेंड देखिए ये मखाने ले लिए हैं मैंने, ये 150 ग्राम मखाने हैं, ये है आधा किलो मावा और ये एक कटोरी शक्कर और एक कटोरी तिल, ये सिर्फ चार चीज़ ली है मैंने। चाहे तो ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हो पर मैंने नहीं लिए, सिर्फ इन्हीं से बनाऊंगी। तो चलो दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड देखिए इधर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें ही मैं घी डाल दूँगी, मखाने में घी के अंदर भूनूंगी। देखो फ्रेंड ये हो गया मैं, तो ये डाल दूंगी मैं मखाने। ये देखिए मैं अच्छे से भून लूंगी इनको, थोड़े क्रिस्पी से हो जाए, फिर इसका पाउडर बनाऊंगी मैं मिक्सी में, इनको थोड़ा क्रिस्पी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखो ये अच्छे से मैंने हल्के ब्राउन कर लिए हैं ये, तो मैं निकाल दूंगी इन्हें प्लेट के अंदर। फ्रेंड अब डाल दूंगी मैं इसमें तिल, तिल भी मैं हल्के से बस ब्राउन करूंगी, थोड़ा सोटे कर लेती हूँ इनको, फिर इनको भी निकाल दूंगी, इनको भी थोड़ा मिक्सी में पीसूंगी मैं, ऐसे नहीं डालूंगी तेल भी, तो अच्छे से भून लेती हूँ मैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड देखो अच्छे से हो गए ब्राउन, मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड दोनों चीज़ें मैंने प्लेट के अंदर निकाल ली हैं और ये मावा है ये डाल दूंगी इसके अंदर। इसको करती हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से लेती हूँ मैं इसको, देखिए ये मैंने तिल अच्छे से पीस दिए हैं, ये थोड़ा मोटा मोटा है, मतलब ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसा है, थोड़ा मैंने दलिए के जैसे पीस दिया है इसको। फ्रेंड देखिए मखाने मैं इसके अंदर पीस लूँगी, ये देखो ये अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं।
तो मिक्सी में भी अच्छा पाउडर बन जाएगा इनका। ये देखिए, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने अच्छे से पीस लिया है। देखो कितना अच्छा पाउडर बन गया है ये देखो। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखिए, हमारा मावा भी अच्छे से हो गया है। ये मैं इतने मैंने वो तिल और मखाने भी पीस दिए और मेरा टाइम बच गया। ये देखो अच्छे से हो गया। तो अभी इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखो कितना अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड देखिए, अभी इसके अंदर ये तिल डालूंगी मैं। तिल का पाउडर बनाया मैंने। और ये मखाने ये डाल दूंगी। ये देखिए, देखो फ्रेंड अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी इसके अंदर मैंने शक्कर नहीं डाली है, इसको भी मिक्स कर देती हूँ मैं, फिर डालूंगी। तो फ्रेंड ये मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें ये डाल दूंगी मैं शक्कर। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड अच्छे से मिक्स कर दिया, गैस कर दिया मैंने बंद। तो इसको निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। देखो अच्छे से मिक्स हो गया। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने घी लगा लिया है थाली के अंदर। तो मैं सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। कितना नहीं है, मैं अलग अलग थालियों में करूं। ये देखिए मैं इसके अंदर जमा दूंगी। अच्छे से सेट कर देती हूँ इसको मैं। मुझे लगता है पूरी थाली में भी नहीं आएगा ये। ये देखिए, अच्छे से मैंने ये सेट कर दिए। और ये तिल डाल दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए तो थोड़ी देर के लिए रख दूंगी मैं इसको, आधा घंटे के लिए। उसके बाद कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो अभी रख देती हूँ इसे थोड़ा आधा घंटा रेस्ट के लिए। ये देखो, अब बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, इस तरीके से खिलाएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड आपको आज मेरी रेसिपी कैसी लगी बच्चों के लिए? अगर आप इस तरीके से बच्चों को खिलाओगे तो वो जरूर खाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बन के हो गई है रेडी। ये देखो है ना मजेदार। तो प्लीज आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए जरूर बनाना। और कितनी अच्छी बनी हुई है, हाथ की बनी हुई घर में। माँ के हाथ की तो बनती ही बच्चों को चीज अच्छी लगती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।